नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जिम टॉक इंडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं रत्नागिरी अल्फांसो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और उसका पैकिंग क्या रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की वीडियोस आपको मिलते रहे और आप यहां पे सीख सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फ्री में। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्फांसो मेंगू रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, वो वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, यहां पे वहां पे सबसे ज्यादा फार्मिंग होता है। अल्फांसो मेंगू का जो HS कोड है वो है 08045021। कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है तो उसमें उसका HS कोड मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है तो उसका HS कोड मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, क्योंकि आप अगर आपको इंपोर्ट करना है तो उसका इंपोर्ट का जो भी ड्यूटी रखता है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसमें आपकी प्रोडक्ट में कितना बेनिफिट है, रोड रेप कितना है, MIS कितना है, ड्यूटी ड्रॉबैक कितना है, वो आपको मालूम पड़ता है आपके HS कोड के ऊपर ही। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमको समझना है कि एक अल्फांसो जो है वो जो एक्सपोर्ट करने की वो साइकिल क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्फांसो मैंगो आपके फार्म में होगी या फिर आपके जो भी वहां पे बाग रहता है, फार्म रहता है, वहां पे अल्फांसो मैंगो होगी। आपको जितना भी एक्सपोर्ट करना है, उससे 200 से 300 केजी ज्यादा आपको मैंगो परचेस करनी पड़ेगी। क्यों, उसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपका परचेस हो गया तो अभी आपको ले जाना कहाँ पे है, पैक्ड हाउस में, एपेडा रजिस्टर्ड पैक्ड हाउस में। आपको मैंगो एक्सपोर्ट करना है तो कंपलसरी आपको एपेडा रजिस्टर्ड पैक्ड हाउस है, वहां पे ले जाना पड़ेगा। वहां पे आपके हेयर ट्रीटमेंट होगी, बेस्ट ट्रीटमेंट होगी, वहां पे उसका जो मैंगो होगी उसका क्लीनिंग किया जाएगा, वहां पे सॉर्टिंग किया जाएगा, वहां के ये सारी के सारी पैकिंग पे वहां पे होगी, ये सारी के सारी प्रोसेस एपेडा रजिस्टर्ड पैक्ड हाउस में होती है। उसके बाद वहां पे प्रोसेस होगी, यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रोसेस होगी, पैकिंग वहां पे ही होगा, प्रोसेस एयर ट्रीटमेंट होगी, कोल्ड ट्रीटमेंट होगी, वेटर ट्रीटमेंट होगी, ये सारी के सारी प्रोसेस होगी। वहां पे सॉल्टिंग होगा, क्लियरिंग होगा, क्लीनिंग होगा, वो सारी के सारी प्रोसेस वहां पर ही होगी। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि आपको जितना भी मैंगो एक्सपोर्ट करना है, केजी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नेट वेट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंगो की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप ये ध्यान से सुनिएगा, आपको जितनी भी मैंगो एक्सपोर्ट करनी है उससे 200 से 300 केजी ज्यादा रहेगी आपको ले जानी पड़ेगी पैक्ड हाउस में। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे आपकी सॉर्टिंग होगी तो यहाँ पे 100-200 की जो यहाँ पे आपकी जो सॉर्टिंग होगी वेस्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप जितना, आपको मान के चलो आपको 1200 केजी एक्सपोर्ट करनी है, मैं आपको बताऊंगा कि 1200 केजी कैसे, 1200 केजी आपको एक्सपोर्ट करनी है तो आप यहाँ पे 1200 केजी ले जाते हो। ओके, तो यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ बचेगी कितनी, 1000 से लेके 1100 तक, 1000 से लेके 1100, लेकिन आपका यहाँ पे जो पैकिंग होगा वो होगा 1400 केजी ग्रोस वेट, उसमें आएगा कितना आपका नेट वेट आएगा वो 1200 केजी अराउंड आएगा। तो इसके बाद की प्रोसेस ये है कि आपको डायरेक्टली जो आपका एयरपोर्ट है, ओके, जो ये आपको ये बताना भूल गया, यहाँ पे जो पैक्ड हाउस है, ये पैक्ड हाउस, ये के जो सारे की सारी प्रोसेस है, अगर आप रत्नागिरी से अल्फांसो मैंगो एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वासी मार्केट में, आप ध्यान से सुनिएगा, वासी मार्केट में MSMB रजिस्टर्ड एपेडा रजिस्टर्ड पैक्ड हाउस है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, MSMB रजिस्टर्ड एपेडा रजिस्टर्ड पैक्ड हाउस है, आप वहां पे जाइए। अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है तो भी, या नहीं करनी है तो भी, आप वहां पे जाइए, उसको पूछिए कि ये प्रोसेस क्या है, मुझे कितनी मैंगो ले आनी पड़ेगी। आप वहां पे जाओगे तो आपको अच्छा सा वो समझाएंगे आपको, तो वहां पे आपका ओके प्रैक्टिकल आपको एक नॉलेज भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी प्रोसेस हो गई, आपका पैकिंग हो गया, तो आपको डायरेक्टली जो आपका नजदीक का एयरपोर्ट है आपको वहां पे गुड्स ले जाना होगा, और उसके बाद की सारी प्रोसीजर IATA एजेंट करता है, आपकी कस्टम क्लियरेंस करेगा,
वहां पे आपका जो भी एयरक्राफ्ट है उसमें आपका गुड्स लोडिंग करवाएगा और वहां तक आपकी डायरेक्टली जो भी विदिन आपका जो भी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है, वहां पे डायरेक्टली आपके मैंगो वो वहां पे आपका कार्गो चला जाएगा। ये सारी की सारी प्रोसेस है। अभी हमको ये है कि हमारी टारगेट कंट्री कौन सी है। यहाँ पे जो प्राइस है मैं क्लियर यहाँ पे लिखा है कि ये प्राइस है, ये एफओबी प्राइस है और ये INR में है। ओके, अभी जो आपका डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे यूएई सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट या इंडिया से अल्फांसो मैंगो होती है, उसके बाद है यूके, कुवैत, कतार, नेपाल, ओमान, सिंगापुर, जर्मनी, सऊदी अरबिया और कैनेडा। यूएई में 2021-22 का प्राइस है 114 से 127, यूके में है 168 to 255, 263 से लेकर 278, कतर में 128 से लेकर 136, और नेपाल में है 45 to 19, ओमान में है 126 to 118, सिंगापुर में है 245 से 244, जर्मनी में है 98 से लेकर 243, सऊदी में 110 से लेकर 119 और कनाडा में 170 से लेकर 211। ये प्राइस है, यहाँ पे मैंने लिखा है 2020-21। ओके, तो आपको समझ में आए, और ये प्राइस प्रीवियस ईयर का है। तो अगर आप इस साल के अकॉर्डिंगली आप बात करोगे, इस साल अकॉर्डिंग आए, तो आपका ये प्राइस मैच नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पे ये आपका प्राइस मैच नहीं करेगा। और ये प्राइस पर केजी का है, यहाँ पे मैंने डॉट में लिखना भूल गया हूँ, ये प्राइस पर केजी का है एफओबी वैल्यू में। इन्वेस्टमेंट एंड पैकिंग मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको सब कुछ पता है मैंगो एक्सपोर्ट करना है, लेकिन आपको पैकिंग नहीं पता है, तो आप इजीली एक्सपोर्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट है मैंगो एक्सपोर्ट, लेकिन आप समझोगे उसको तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। पैकिंग सबसे ज्यादा जो स्टैंडर्ड पैकिंग है वो 6 kg पर बॉक्स और 12 kg पर बॉक्स, डजन एंड हाफ डजन, इसको आप सिंपल से लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। उसके बाद उसकी एमओ क्यों रहेगी, यहाँ पे दुबई को छोड़ के उसकी एमओ क्यों रहेगी, वो 1400 kg यानी कि 1400 kg। यहाँ पे आपका मैंगो जाएगा वो 1200 kg अराउंड जाएगा, कितना 1200 kg। और अगर आप यहाँ पे यहाँ से सिंगापुर और यूके भेजते हो तो आपका मैक्सिमम जो 3.2 यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं 3.2 आपका ग्रोस वेट रहेगा पर बॉक्स उसका, यहाँ पे जो कैलकुलेशन के अराउंड आप चलते हो तो 420 के अराउंड आपका एक जो कार्गो रहेगा 1400 kg का, उसमें आपका बॉक्स आएगा 420 के अराउंड 420। इन्वेस्टमेंट अप्रोक्स 5 lakh ले लीजिए आप, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एक्सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे जो आपका फ्राइट रेट है ना, फ्राइट रेट ही आपका दुबई को छोड़ के अप्रोक्स 2.5 lakh से 3 lakh रुपीस के बीच रहेगा यूएई अगर कंट्री को छोड़ के, क्यों ये नजदीक है इसलिए। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगा 2.5 से 3 lakh रुपीस गल्फ कंट्रीज को छोड़ के, अगर आप सिंगापुर या फिर आप यूके करना चाहते हो। अब हम उसको सिंपल सी एक जहां पे हम रिवीजन कर लेते हैं, इस वीडियो में क्या सीखा, प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोक्योरमेंट यानी कि आपको गुड्स लेना होता है फार्म से, उसके बाद आपको पैकेट एक पेड़ा रजिस्टर्ड पैक्ड हाउस में उसको ले जाना होता है, वहां पे उसकी प्रोसेस होती है, एक पेड़ा रजिस्टर्ड पैक्ड हाउस में उसकी प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है, आपका कंट्री क्या है, अगर आप यूके भेज रहे हो, आप कैनेडा भेज रहे हो, आप सिंगापुर भेज रहे हो तो प्रोसेस सिमिलर रहेगी, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया भेजोगे तो वहां पे प्रोसेस जो भी प्रोसेस रहेगा वो ट्रीटमेंट कोल्ड ट्रीटमेंट वो प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा। ओके, नियर एयरपोर्ट, आपको जहां पे पैकिंग हो गया तो आपको यहां पे नियर आपका एयरपोर्ट है वहां पे ले जाना होगा। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट का क्लियरेंस करना है, वो आपका आईटा एजेंट करता है। उसके बाद आपका जो भी गुड्स है वो चला जाएगा आपके रिच डेस्टिनेशन यानी कि आपका जो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है वहां पे वो गुड्स चला जाएगा। ये एक सिंपल सी प्रोसेस है अल्फांसो मैंगो, ये जो प्रोसेस है वो हर मैंगो के लिए, हर एक वैरायटी मैंगो के लिए आप
ये प्रोसेस सेम है, लेकिन वहां पे गुड्स चेंज हो जाएगा, वहां पे एचएस कोड चेंज हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी सेम है। गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको मैं बोल देता हूं, यहाँ पे रोड रेप आपको मिलेगा 2.5% और ड्रॉबैक मिलेगा आपको 0.15%। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, आपको उसमें कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारा भी मोटिवेशन करिए। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे है हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9313704887 पर आप हमको व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की ऐसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आती रहे तो उसकी आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे सबसे पहले, और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस यहाँ पे सीख सकते हो फ्री में। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए और सीखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।